बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अथर अब्बास और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। इस वक्त मैं ईस्ट लंदन में मौजूद हूँ, जहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का इवेंट जो है वो जोरों शोर के साथ जारी और सारी है। इस इवेंट में यूके भर से जो गेस्ट हैं वो तशरीफ ला रहे हैं, वो कस्टमर तशरीफ ला रहे हैं, और जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं वो भी तशरीफ ला रहे हैं और यहाँ पे ब्रीफिंग ले रहे हैं। आज के इवेंट में जो डेवलपमेंट अपडेट्स हैं उसके बारे में ब्रीफ किया जा रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे जो लोग बाइंग करना चाहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की ये कोशिश थी पिछले साल भी और इस साल भी कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट किए जाएं यूके के अंदर, और लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में आगाह किया जाए, डेवलपमेंट के बारे में लोगों को अपडेट रखा जाए, और इसी सिलसिले में ये इवेंट यहाँ पे मुनक्किद है। कोरोना की वजह से गो के इवेंट्स का वो मयार, वो जो हमारी प्लानिंग थी वो नहीं रही, लेकिन अब जूं जूं कोरोना के असरात कम होते जा रहे हैं यूके के अंदर, तो उम्मीद है कैपिटल स्मार्ट सिटी रेगुलर बेसिस के ऊपर पूरे यूके के अंदर इवेंट जो है वो मुनक्किद करेगी। इस वक्त मेरे साथ असद अली मौजूद हैं, बर्मिंघम से तशरीफ लाए हैं यहाँ पे ईस्ट लंदन में इवेंट को अटेंड करने के लिए। असद अली जो हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ 2.5 साल से मुंसलिक हैं। जब पहली दफ़ा ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 1 को लॉन्च किया गया तो इन्होंने कोई 4 प्लॉट बाय किए थे, और उसके बाद इनका सफ़र, इनका एतमाद स्मार्ट सिटी पे किस तरह से रहा, हम इनसे ज़रूर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, असद साहब आप इनिशियल बायर्स में से हैं जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी पे और हबीब रफी पे एतमाद किया और इस प्रोजेक्ट में बाइंग की, तो आपका सफ़र कैसा रहा, आपने इस कंपनी को कैसा पाया, इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए हैं उनको कैसा देखते हैं, और आपकी क्या राय इस प्रोजेक्ट के बारे में? जी जी, बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने दावत दी और ये सादत थी। मैंने जब ये नाम सुना था कैपिटल स्मार्ट सिटी का, तो उस वक्त मैंने सोचा चलो 1-2 प्लाट उधर हम लेते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट टीचर से। तो शुरू में ख्याल मेरे ख्याल में 2018 में जी ये लिए थे 4 प्लाट इकट्ठे उधर साइट का, उस वक्त तो विजिट नहीं किया था पहले लिए, फिर तो उसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद 2019 में मैंने विजिट किया साइट का कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। फिर मैंने वो जहाँ पे वो जो बिल्डिंग वगैरह वो जो बन रही थी मस्जिद वगैरह भी, वो उसका जो मैंने उसकी जो देखी कि जो रेट था कंस्ट्रक्शन का वो अच्छा है, बहुत बेहतर था, बड़े मतवादर तरीके से वो चल रहे थे, जो भी चीज़ बताई थी उन्होंने वो सही उसी तरीके से वो अंजाम दे रहे हैं सारी चीज़ें। तो फिर मैंने और प्लान किया, मैंने कहा चलो कमर्शियल की तरफ, वो तो रेजिडेंशियल प्लाट थे, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी कमर्शियल साइड पर देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो अभी मैंने यही प्लान किया है कि कमर्शियल साइड में वहाँ पे अगर 8 या 4 या 8 मरले का कोई भी अवेलेबल हुआ तो उधर इन्वेस्टमेंट कर जाता है मेरा। जी, लकीली आज इवेंट के लिए ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 2 में हमने कमर्शियल कुछ रखे थे और उनमें से 8 मरले का कमर्शियल असद साहब बाय करेंगे। जो अभी आपको ब्रीफ किया गया डेवलपमेंट के हवाले से, और शायद आप उन कुछ खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको कुछ फ्यूचर के डेवलपमेंट्स की वीडियो भी दिखाई गई हैं, तो अब आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में स्मार्ट सिटी क्या शेप इख्तियार करेगी? जी, जैसे कि हमारे एक भाई ने अभी बताया था थोड़ी देर पहले इंटरचेंज का, इंटरचेंज की लोकेशन थोड़ी सी पहले जहाँ पे अपॉइंटमेंट किया था जी आज से 2-2.5 साल पहले, थोड़ी सी लोकेशन क्योंकि फॉर सम रीजन रिंग रोड की वजह से उन्होंने लोकेशन चेंज की उसकी, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो उसकी वजह से ये है ना कि मैंने फिर देखा कि ओवरसीज 2 का एरिया जो है उस साइड पे आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। तो मैं बहुत ही उम्मीद हूँ कि ये जो है प्रोजेक्ट बहुत कामयाब होगा, स्पेशली ओवरसीज 2 का एरिया भी। ओवरसीज 1 तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है जी, लेकिन फ्यूचर में आने वाले 5 से 7 साल तक मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट बहुत ही कामयाब तरीके से चलेगा। जी बहुत शुक्रिया असद साहब। असद साहब का इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि असद साहब और इन जैसे हजारों लोग जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट किया है और इस उम्मीद के साथ किया है कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट में तब्दील होगा, तो ये इंतहाई एक कामयाब प्रोजेक्ट की तरफ जो कदम है कैपिटल स्मार्ट सिटी के चल रहे हैं, और इवेंट जो है वो चल रहा है। मेरी कोशिश होगी जो और यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं इनके इंटरव्यूज भी मैं इसमें शामिल करूँ, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। Thank you.
इस वक्त इस इवेंट में जी स्टोन प्रॉपर्टीज उनके डायरेक्टर्स डेवलपमेंट सेल्स डेवलपमेंट जो है समरीन मेरे साथ मौजूद हैं, इंग्लिश में ज़्यादा बात करेंगे इनके साथ। तो इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि यूके में इन्होंने जो वर्किंग स्टार्ट की है कैपिटल स्मार्ट सिटी की सेल्स को लेकर, इनको रिस्पॉन्स कैसा रहा है और लोग किस तरह से इस प्रोजेक्ट के अंदर इत्मीनान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम समरीन, हाउ आर यू? अस्सलाम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सो फार व्हाट इज योर एक्सपीरियंस लाइक डीलिंग विद द यूके रेजिडेंट्स एंड दे आर investing in capital smart city, what is your experience? My experience is really good because I can see there are so many, we're getting so many calls and so many clients coming up which they want to invest in Pakistan, so we are helping them, we're giving them the best service which we can provide them, giving them all the information which they need for regard, because basically they're based over here and they want to invest in Pakistan. We're giving them certain kind of information, like reliable information, like regards to capital smart city and Lahore smart city, so any kind of information they have, so we provide with them. What are their main concerns and questions they ask about? They ask about reliability, they ask about developers or prices. What are their main concerns? The first one, definitely it's about the reliability, so we do tell them how reliable the project is, how reliable the developers are, so basically we take them by step by step. And then, of course, the prices, how much is it, 5 manla, 6 manla, that's manla and 1 canal, so we give them all kind of prices. So what are the trends you see? Do you see there are some decline in the sales or they are going upwards? What are your observation during these coronaviruses situation? Yeah, as the coronavirus, things are a bit slow, but now because the things are calming down, so things are picking up, and as we are based in Ilford, so we have mainly the Pakistani Asian people traveling there, and they want to know basically what's happening, what's the development, how far they are, like, you know, they've got so many questions about the developments, the roads, and if there is electricity, is there water, you know, all kind of questions they have about the developments. Thank you very much. My last question, what is your opinion about this event? Oh, it's excellent because everyone, all our customers and clients was looking for something like this. As you know, the coronavirus situation, we could not do like huge events, but this is a really good thing, really good platform to show our customers what are we doing and what are we presenting to them. जी व्यूअर्स, मेरे साथ थी समरीन, डायरेक्टर सेल्स डेवलपमेंट जी स्टोन प्रॉपर्टीज, और हमारा इनके साथ बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप भी है। आज का इवेंट कई लिहाज से एक कामयाब इवेंट था, जहां पे लोगों ने अपने डेवलपमेंट जो अपडेट्स हैं वो यहां पे उनको देखा। 2-2.5 साल पहले जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नज़र आ रहे थे। आई नो कुछ लोगों का कंसर्न इंटरचेंज को लेके था, और कुछ लोगों का कंसर्न इस हवाले से भी था कि जो डेवलपमेंट की पेस कुछ दूसरे ब्लॉक्स हैं जिस तरह ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 2 में उस तरह से नहीं है जिस तरह ओवरसीज़ प्राइम के अंदर है। लेकिन जो ब्रीफिंग हुई उसमें ये बताया गया कि ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 2 में बहुत तेज़ उन्होंने डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। और जो पॉइंट यहाँ पे एक और हमें पता चला वो ये पता चला कि ओवरसीज़ जो डिस्ट्रिक्ट 2 है इस पर जो इंटरचेंज आने के चांसेस हैं उसके हवाले से भी डिस्कशन हुई। मैं एक कंप्लीट वीडियो इस हवाले से फर्दर बनाऊंगा। एक मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई है आज के इवेंट में, और वो उम्मीद की किरण ये थी कि अगर लाहौर स्मार्ट सिटी है या इंटरचेंज है, बहुत जल्दी 1 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज़ जो है वो मिल सकती है। मैं जानता हूँ, मैंने आपको आज से तकरीबन 2-2.5 माह पहले कहा था कि 2 माह के अंदर इंटरचेंज की न्यूज़ आ सकती है, लेकिन जो उनकी अभी तक की इतलात हैं वो ये हैं
कि बहुत अच्छा रिस्पांस इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी और इंटरचेंज के हवाले से कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को मिल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं इस वक्त कि ये दोनों प्रोजेक्ट किसी भी वक्त जो है एनओसी लाहौर स्मार्ट सिटी का और इंटरचेंज कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो अप्रूव हो जाएगा। मैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर हूँगा। मेरा नाम अथर अब्बास और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।